हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है, ममता सिंह ब्लॉग में। और ये देखिए, दीपू रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए और इसे मैं दूध और रोटी खिला रही हूँ। बोल रही है बैगन की सब्जी इसकी फेवरेट नहीं है तो ये नहीं खाती है। कृति ने तो सब्जी रोटी खा लिया पर ये बोले दूध रोटी खाऊंगी, तो इसको दूध रोटी खिला रही है। और इसको ना खिलाना पड़ता है, खुद से नहीं खाती है ना। हंस रही, तो इसे खिला लेती हूँ। और कृति भी रेडी हो गई है, सुनी इसका चुल कर बना दी है, बहुत ही अच्छे से बनाई है ना देखो। और कृति का भी चुल बना रही है, अभी मैं इसको खिला दूँ फिर जाएगी। अभी बहुत ही टाइम है ना, 9 बजे लगता है ना। नो तो आज जल्दी उठ गए, कल से 7 बजे उठाऊंगी इन लोग को। 6 बजे उठा दी ना, कल से 7 बजे उठाऊंगी। लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। पीछे लगा दो जरा क्लियर, एक बार बाल निकल गए। ओ बाल थोड़ा सा निकले, मत करो दर्द हो जाए, निकल जाए जाए मुझे दुखा रहा। ओके इधर ही लगा दो, ऐसे यहाँ पे रे 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 इधर। हाँ पूछ लेता फोन करके। तो अभी दीपू खा रही है और वीडियो बना रही है तो ये नहीं खाएगी इसलिए बंद कर। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वास्ता सबने कर लिया है, सबको दे दिया है नाश्ता। और कृति दीपू स्कूल चली गई है और ईशान को भी मैंने खिला दिया है। अभी डाफी आई थी, उसको भी मैंने नाश्ता दिया, वो भी खाई। और कपड़े वपड़े धो के वो भी चली गई। और पापा को मैंने पूछा कि नाश्ता करेंगे तो बोले कि सुबह 2 रोटी और दूध खाया था, अब मन नहीं है खाने का, तो अभी नहीं खाऊंगा, एक ही बार खाना खाऊंगा। तो फिर मैं आ गई वहाँ से और नीचे 1-2 बर्तन था वो सब धो दी, दूध का चाय का, तो सब धो के आई हूँ। और दूध वूध गर्म करके यहीं पर दूध मैंने मंगा लिया था, तो यहीं पर गर्म वर्म करके फिर नीचे रख के आ गई हूँ दूध, क्योंकि पापा पीते रहते हैं दूध। तो अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ और मेरा नाश्ता क्या आपको दिखाऊँगी, क्योंकि आज मंगलवार है, आज मेरा बर्थ है। तो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, पूजा वूजा करने के बाद मैं अभी चाय पीने जा रही हूँ, अपने लिए चाय बनाई हूँ। ये देखिए तो चाय और ये केला है, तो एक केला बाबू को दूंगी और 2 मैं खाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी, तो अभी फ़ोन करके पूछूँगी कृपया सारथी को कि खाना खाएँगे कि उनके लिए बनाऊँ कि क्या। तो पहले मैं ये चाय पी लेती हूँ और केले खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आज मैं बनाई हूँ भिंडी फ्राई, जो तुम गुवाहाटी से लेकर आए थे भिंडी, उसी से बना रही हूँ। तो यहाँ पे चावल और दाल भी बन गया है। फ्रेंड्स, शाम का समय है और मैं बना रही हूँ डिनर में मैं बना रही हूँ आलू फ्राई और खीर और पराठा बनाऊँगी। तो ये देखिए, सब साफ सफाई करके मैं खाना बना रही हूँ। और अभी सोचा थोड़ा सा मैं सिलाई कर लूँ, 2-3 कुर्ती है जो फिटिंग करना है, उसे मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ईशान को पढ़ाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। ईशान यहाँ पर है, खेल रहा है और मुझे उतना वो रखी हूँ चेयर पे, वो फिटिंग करना है तो वो कर लेती हूँ। और ये देखिए अभी 8 बजने वाला है, तो वो सब कर लो फिर उसके बाद इसको पढ़ाऊंगी। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है, ममता सिंह ब्लॉग में। और सुबह सुबह का काम करा हो गया, नहा लिया, पूजा कर लिया और अब नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता में मैंने बनाया है छोले पूरी और ईशान भी नहा लिया है। तो आज हम लोग जाएंगे ईशान के एक्टिविटीज क्लास, तो वहाँ पे बहुत दिन हो गया नहीं गए क्योंकि बारिश बारिश हो रहा था। तो आज सुबह से भी जाएंगे, बारिश आए फिर भी। तो आज सुबह सुबह जल्दी उठ के मैं बनाई कि कृति दीपू को खा के भेजना होगा स्कूल, पर उसकी मम्मी आ गई थी, आरती आ गई थी सुबह ही, तो वो मैगी बना के खिलाई और फिर स्कूल लेकर गई दोनों को। तो पूरी और छोले मैंने बना दिया था पर वो लोग मैगी खाए, उन लोग को मैगी अच्छा लगा। तो अभी खिलाऊंगी ईशान को और मैं थोड़ी सी खाऊंगी, क्योंकि कल दिन भर भूखी थी तो आज मुझे भूख सा लग रहा है। तो 2 पूड़ी खा लूँगी, बाद में हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ खाऊंगी।
तो यहाँ पर पूड़ी मैंने छान लिया है, और ये रहा ईशान, तो इसको भी ले लिया है खिलाने के लिए, उसी में मैं भी दो खा लूँगी। ये देखिए, तो अभी आए नहीं हैं, बहुत लेट करते हैं सुबह। तो फ्रेंड्स वहाँ से तो आ गई तो थोड़ा लेट हो गया था मुझे, और खाना वाना बनाने में और भी लेट हो गया था, हस्बैंड जी को जाना था बाजार, तो इसलिए मैं फटाफट काम करने में लग गई थी। फिर दीबू को ड्रेस व्रेस चेंज किया, दीबू नीचे रो रही थी मम्मी मम्मी बोल के, उसको मम्मी की और पापा की याद आती होगी। तो फिर दीबू का ड्रेस चेंज करने गई थी मैं, उसे मना होना के लेके आई ऊपर चलो खिलाने के लिए, तो इसमें मेरा थोड़ा सा टाइम चला गया, तो सब्जी बनाने में लेट हो गया था मुझे। तो मेरे हस्बैंड बोले थे सिर्फ दाल भात खा के जाऊँगा, तो मैं मेरे थोड़ा सा रुक जाए, 5 मिनट में हो जाएगा सब्ज़ी, तो फटाफट सब्ज़ी बनाई, तो खाए कर फिर वो गए, और फिर पहले तो बच्चे लोग को खिला दिया मैंने, दीबू और ईशान को एक साथ ही खिला दिया। तो फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड को दिया खाना, सोनी को, किटी को, सबको दिया। तो सब करके टाइम नहीं मिला कि मोबाइल उठाऊँ, तो वीडियो कुछ भी नहीं बनाया मैंने। तो अब रेस्ट करने आई हूँ, अभी शाम का 4 बज रहा है, तो मैं सोची थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद तो फिर उठूँगी तो काम ही कम रहेगा, क्योंकि सीना भी है, इसको पढ़ाना भी है, और खाना वाना भी बनाना है, फिर नाश्ता भी बनाना है। भात बनाई थी तो वो भात बहुत सारा बच गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को फ्राई कर दूँगी, तो देखती हूँ शाम को फ्राई कर दूँगी तो सर नाश्ते में हो जाएगा। तो फिर तो फ्रेंड्स ये वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि शाम का वीडियो शाम को शूट करूँगी, और अभी ये वीडियो मैं एडिट करके डाल दूँगी, क्योंकि कल का वीडियो भी है, तो वो मैं सोच रही हूँ एक साथ ही डाल दूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, है ना ईशान, है ना। आज ये बस से गिरते गिरते बच्चा, क्योंकि जैसे ही इसे सीढ़ी पे उठाई थी मैं, बस आगे चल दिया, तो वो तो फट से मैं इसे उतार ली अपने गोद में, नहीं तो आज ये गिर जाता था बस से। तो बाल बाल बच्चा है ये। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।